আসানসোল উত্তর বিধানসভার অধীনে রেলপার চাঁদমারিতে আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসা মাওলানা সৈয়দ আলতাফ আইওআই এর নেতৃত্বে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যাতে এআইএমআইএম পার্টির অনেক কর্মী ও নেতা উপস্থিত ছিলেন। এদিন শিশুদের মধ্যে আরবি শেখার জন্য একটি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম অবস্থানে আসা শিশুদের নাম মোহাম্মদ রেহান, মোহাম্মদ আয়ান এবং দ্বিতীয় অবস্থানে আসা শিশুদের নাম মোহাম্মদ মুজাম্মিল ও মোহাম্মদ ফাইজান এবং তৃতীয় অবস্থানে আসা শিশুদের নাম মোহাম্মদ আতিফ ও হাদিয়া পারভিন। هذا سؤال سهل جدا، القابة بلا شك بيت الله. ما أطول نهر في العالم؟ لا أذكر جيدا، نهر النيل وربما نهر رمضان. دعني أقرأ الحجاب في كتاب الجغرافية، نهر النيل، نهر النيل أطول من نهر رمضان. ما أذكر الكتاب في الدار في طهران. إندونيسيا. ما أقدم جامعة في العالم؟ الذي بناه अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम। पिछले एक हफ्ता से अल मकतबतुल इस्लामिया सैयद इम्तियाज़ आसनसोल के तलबा का अरबिक कंपटीशन हो रहा था, जिसमें कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन दो टीम, टीम ए और टीम बी, फाइनल तक पहुंची। और आज 9 फरवरी बरोज़ जुमा 2023 बाद नमाज मगरिब उन्हीं लोगों का एक फाइनल कॉम्पिटिशन रखा गया, फाइनल राउंड हुआ वहाँ पर, जिसमें बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और टीम ए ने बाजी मार ली। इस प्रोग्राम को रखने का, इस कंपटीशन को कराने का मकसद हमारा ये था कि आज हमारे माशरे में हमारे जो रिलीजन वाले हैं, यहाँ कहीं ना कहीं अरबी ज़बान की वैल्यू, इसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए इसको कराने का मकसद ये था कि बच्चों के अंदर में जो है अरबी को सीखने की, उसको बोलने की जो है दिलचस्पी पैदा हो, आवाम के अंदर में अरबी को सीखना, उसको जानना, उसको बोलने की दिलचस्पी पैदा हो, और इसी तरह से जो अरबी से दूर हो गए हैं वो लोग अरबी से दोबारा से जुड़ जाए। ये इसका एक मकसद था और इसको एक मकसद के तहत आवाम के सामने में पेश किया गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम को जीनत बख्शने के लिए हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला पश्चिम बर्दवान के कई नेता शामिल हुए, जिसमें AIM के डिस्ट्रिक्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इफ्तिखार भाई भी शामिल थे, इसी तरह से शहबाज भाई भी थे, हमारे AIM के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट मिराज साहब भी थे, यूथ के प्रेसिडेंट शाहिद मंसूर साहब भी थे, हमारे अनवर भाई भी थे, इसी तरह AIM के बहुत नेता इसमें शामिल हुए। मैं इन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और आप मीडिया के माध्यम से मैं यही बात बतलाना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम लोगों ने आवाम को ये मैसेज दिया कि अरबी ज़बान भी एक सीखने की ज़बान है, उसको भी हम लोग सीख सकते हैं, दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, और कोई भी ज़बान किसी भी धर्म की मिल्कियत नहीं है, हर ज़बान को हम सीख सकते हैं, कोई भी ज़बान किसी धर्म की ज़ाती ज़बान नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आसानसोल थेके वासिम खानेर रिपोर्ट, 24 घंटा लाइव। एबार आरो बृहत परिसरे आर चंद्रा जुएलार्स গোল্ড ডায়মন্ড এবং সিলভার জুয়েলারির সেরা সম্ভার, আর পাবেন নতুন নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় গহনা। আপনাদের চেনা ঠিকানা, স্টেশন রোড কাঁচরাপাড়া, এক্সপ্রেস বাজারের পাশে আর চন্দ্রা জুয়েলার্স।